नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज 43 वर्ष है। इनके सवाल थी, इन्हें हमेशा अपनी मृत्यु का भय लगा रहता है, समस्या आ रही है, सिलेक्शन इनका अच्छे डिपार्टमेंट में हुआ है लेकिन कोर्ट केस भी चल रहे हैं, तो क्या उनका इफेक्ट पड़ेगा नौकरी पर? क्या अच्छा पैसा है? क्या इनका जो व्यय है वो सही है क्या गलत है? मुझे इनके हाथ में जो कुछ दिखा आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। आज थोड़ा मेरी सरदर्द की प्रॉब्लम भी है तो मैं थोड़ा धीरे ही बोलूंगा इस वीडियो में। आपके हाथ का अगर आप देखें तो देखिए, आपके हाथ में यहाँ पर मैं मनी ट्रायंगल बनता हुआ देख पा रहा हूँ। यहाँ पर भी मनी ट्रायंगल आपके हाथ में काफी अच्छा है। देखिए मनी ट्रायंगल क्या दिखाता है, चाहे आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, चाहे आपके ऊपर कैसी भी समस्या आ रही है, लेकिन समस्याओं का सामना करते करते, संघर्ष करते करते, अपने जीवन में परेशानियों को झेलते झेलते आप बड़ा पैसा कमा लेंगे और बड़ा पैसा कमाने में आपको किसी भी आगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली रहेगी। इस तरह के अच्छे एवं बढ़िया योग आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। तो बड़ा पैसा कमाना तो नहीं, बट बड़े पैसे की सेविंग आपके हाथ में बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ। तो इससे आपको आपके जीवन में अच्छे फायदे ही देखने को मिलने वाले रहेंगे। इस तरह के योग आपके हाथ में ठीक ठाक बनते मुझे दिख रहे हैं। अगर समस्या आएगी तो आपको कुछ समय तक परेशान करेगी, लेकिन बाद में आपको समस्या का हल ढूंढ लेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं सूर्य रेखा भी आपके हाथ में बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। ये रेखा व्यक्ति को अच्छे खासे सरकारी लाभ और अच्छे खासे पॉलिटिकल लाभ देती है। सरकारी से फायदे मिलते हैं और राजनीति में बहुत अच्छे व्यक्ति का भाग्योदय होने वाला होता है। बाकी सूर्यदेव को अर्घ देकर इसके प्रभाव को और बढ़ा सकता है। ये आपके समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली रहेगी। आपके सोसाइटी में आपका नेम, फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट बढ़ने वाला रहेगा। आपको इन सारी चीजों से अच्छे फायदे देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो सूर्य के प्रभाव आपके हाथ में अच्छे खासे मिलने वाले रहेंगे। यदि आपके हाथ में आगे देखा जाए, जैसे आपने बताया कि आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, तो क्या वो आपकी नौकरी पर इफेक्ट डालेगा? देखिए कहीं ना कहीं आपके हाथ में आपकी नौकरी पर इफेक्ट पहले डाला है। 43 वर्ष के बाद आपके हाथ में इफेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है, लगभग 48 वर्ष के आसपास आपको दिक्कत रह सकती है। इस तरह के योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपके हाथ में ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके हाथ में दो कट के अलावा और तीसरा कोई कट नहीं है, तो दो बार समस्या आएगी, आपको फिर आगे समस्या नहीं आएगी। यदि आपके हाथ में आपकी आगे बुध की रेखा देखें तो बुध पर आपके हाथ में मुझे बुध रेखा दिख रही है। बुध पर सीधी खड़ी रेखा साफ साफ मौजूद है। ये रेखा है आपको अच्छी व्यापारिक क्षमता देंगी, बिजनेस सेंस बहुत अच्छा, बहुत मजबूत रहेगा। व्यापार करके आपको आपके जीवन में बड़े अच्छे खासे धन लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हैं तो जीवन में बड़ा मान सम्मान देखने को मिलता है। तो इस तरीके के अच्छे योग आपके हाथ की रेखाओं में मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीजों पर कार्य करेंगे, आपको उससे भी अच्छे खासे लाभ देखने को मिल जाएंगे। यदि आपके हाथ में हम यहाँ पर आए तो ये आपके हाथ में आपकी धनुषाकार रेखा समझदार की इशारा कर रही है। व्यक्ति समझदार होता है, शक्ति और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। इस तरह के अच्छे खासे योग भी आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आएंगे तो मंगल का चित्र ये है। मंगल का चित्र देखिए आपके जीवन में, आपने जैसे बताया कि आप कोर्ट कचहरी के केस में फंस चुके हैं। देखिए अगर मंगल के चित्र पर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा होती तो ये शत्रुघ्न का युग निर्माण करती और तब ये देखा जाता कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में शत्रुओं से मुक्त रहते हैं और रोगी और कोर्ट कचहरी में केस जीतने के योग बनते हैं। लेकिन आपके हाथ में यहाँ पर कोई योग ऐसा नहीं है, तो आप मान सकते हैं या तो आप कोर्ट केस हारेंगे या फिर उसमें सेटलमेंट या फिर समझौता हो जाएगा। आपके कोर्ट केस जीतने के कोई योग नहीं है। वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की आपके हाथ में राहु रेखा है भाग्य रेखा पर, वो आपकी नौकरी पर इफेक्ट पूरा पूरा डालने वाला रहेगा। तो ये योग भी यहाँ पर बन रहे हैं साफ साफ। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो हृदय रेखा आपके हाथ में ठीक है, सही है, मजबूत है। पूरी हृदय रेखा है, यहाँ से निकली यहाँ तक पहुँच गई। हृदय रेखा जा रही है बृहस्पति की उंगली तक। देखिए जब हृदय रेखा यहाँ तक पहुंचने लगे तो आपको साफ से समझ जाना चाहिए कि हृदय रेखा आपकी अच्छी है, मजबूत है। आपका नेचर देवदूत टाइप है, आपकी हृदय रेखा पर बृहस्पति के प्रभाव ज्यादा अच्छे से आ रहे हैं। तो नेचर देवदूत टाइप रहेगा, हमेशा सबका भला सोचना, सबका अच्छा चाहना, कभी किसी का बुरा ना सोचना। इस तरह के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। अगर किसी के 100 रुपए भी आ रहे हो तो सामने से आकर वापस करेंगे। ये हृदय रेखा व्यक्ति के मन को सच्चा बनाती है, मन से बड़ा सच्चा और अच्छा होता है। यदि आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, इस प्रकार चली, इस प्रकार नीचे की ओर आ गई। मस्तिष्क आपके में बेंट हो रही है। देखिए जब मस्तिष्क बेंट होने लगे तो इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस तरह अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा और आप अपने जीवन में अपने मस्तिष्क, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा लेंगे। इस तरह के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर बनते हुए मुझे प्रतीत हो रहे हैं। बाकी आप मान सकते हैं कि आपके अंदर बातों को सोचने, सीखने और समझने की क्षमता काफी अच्छी, काफी मजबूत, काफी बढ़िया मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। आपके साथ चालाकी करना मुश्किल है, फ्रॉड स्कैम करने के योग भी आपके हाथ में नहीं बन रहे हैं। दूसरी ओर शुक्र पर आपके हाथ में आड़ी रेखा ज्यादा है, काफी ज्यादा मुझे आपके हाथ में शुक्र पर आड़ी रेखा दिख रही है।
रही है। देखिए यहाँ पर जब आड़ी रेखा होने लगे तो इसका मतलब आप साफ साफ ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं शुक्र की वजह से आपको आपके जीवन में दिक्कत हो सकती है। आपको नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। जीवन में आपको पारिवारिक समस्या भी रह सकती है। परिवार में कितने पैसे खर्च करने, लेकिन लास्ट में ताने सुनने को मिलना, इस तरह की संकेत भी आपके हाथ में दिख रहे हैं। बाकी शुक्र पर आड़ी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपना पैसा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो बड़ा पैसा रहेगा वो लग्जरीज पे खर्च होगा, उसमें आपको दिक्कत परेशानी रहेगी। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर देखेंगे तो अंगूठा का सेकंड फ्लैंज हल्का सा दबा हुआ है। ये सेकंड फ्लैंज अगर दब जाए तो ये अच्छा परिणाम नहीं देता, किसी भी रूप में सेकंड फ्लैंज अच्छा नहीं होता। हर तरह की समस्याओं से व्यक्ति को दिक्कत परेशानी में डालता है, समस्या से बचाने की जगह परेशानी व्यक्ति को, थोड़ा व्यक्ति को परेशान करता है ये कॉम्बिनेशन। अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंज हल्का सा मुड़ा हुआ है, थोड़ा पतला भी है। ये आपका मित्रतापूर्ण व्यवहार और फ्रेंडली नेचर दिखाता है। अगर फ्रेंडली रहेगा कहीं ना कहीं सबसे आपका व्यवहार अच्छा और बढ़िया रहने वाला रहेगा। फ्रेंड सर्कल व्यक्ति का काफी अच्छा, काफी बढ़िया, काफी मजबूत होने वाला होता है। तो इस तरीके के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर आपके हाथ में आगे चले तो आपके हाथ में आपका मेजर सवाल ये था कि आपको हमेशा मृत्यु का भय लगा रहता है। देखिए देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपकी आयु कम है, लेकिन जैसे मैंने बताया, भाग्य रेखा यहाँ से निकली अंत तक चली गई, हृदय रेखा से निकली अंत तक चली गई, मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली अंत तक चली गई। तीन रेखा आपकी बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत है। लेकिन अगर आपकी जीवन रेखा देखें तो ये आपकी जीवन रेखा ये यहाँ से निकली, यहाँ से टूट गई, इस प्रकार चली, हल्की हल्की चली गई। दूसरी जीवन रेखा सपोर्टिव में चली, इस प्रकार चली, यहाँ पर कम हो गई। देखिए जीवन रेखा आपके हाथ में छोटी है, शायद इसी वजह से आपको ऐसा भय लगता है। देखिए इस वीडियो में ये तो नहीं कह रहा कि आपको समस्या रहेगी या आपकी आयु छोटी, आप अल्पायु में, लेकिन हाँ आपको भय इसलिए लगता है क्योंकि आपकी जीवन रेखा सही में छोटी है। और देखिए ऐसा भी नहीं होता कि छोटी जीवन रेखा वालों की उम्र कम होती है। मैंने इतनी इतनी सी जीवन रेखा वाले व्यक्ति, मैं दिखाता हूँ एक बार, इतनी इतनी सी जीवन रेखा वाले व्यक्ति को 90-90 साल जीते हुए देखा है। तो आप मान सकते हैं कि ये समस्या देता है, स्वास्थ्य के तौर पर समस्या आती है, भय लगना, समस्याओं में पड़ जाना, संकटों में अपनी दिक्कत परेशानी में, जो संकटों से अपनी दिक्कत परेशानी फंस जाना, इस तरह के योग बनाती है। बट हाँ इसका उपाय भी होता है, इसके उपाय आपको दिए जाएंगे। तो इसके आप रेमेडीज डेली करते रेगुलर करते तो आपको रिलेटेड समस्या नहीं आएंगी। तो जीवन रेखा छोटी है तो हाँ आपको समस्या रहेगी, बट इसके उपाय भी होते हैं। अगर समस्या है तो भगवान ने समाधान भी दिया है, इसके उपाय आपको दे दिए जाएंगे। अगर इसके उपाय आप डेली करते रेगुलर करते हैं वो आपको हमेशा लाभ देंगे। मैं मान सकता हूँ कि इसके उपाय आपको हमेशा हमेशा के लिए डेली करने रहेंगे छोटी जीवन रेखा के, तभी कहीं ना कहीं आप इस भय से मुक्त हो पाएंगे, इसका आपको उपाय दिया जाएगा। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम के लिए थी कि देखिए रेखा मजबूत है, कोर्ट केस में जीत के कोई योग नहीं है। अगर समस्या आती है कोर्ट केस की भी तो आपके भाग्य को कुछ महीने के लिए परेशान करेगी, बाद में समस्या से आप उभर जाएंगे। तो फाइनेंशियल वाइज को दिक्कत नहीं है, अगर समस्या आती है, संघर्ष आता है तो भी संघर्षों को झेलते झेलते बड़ा पैसा बना लेंगे। हृदय रेखा बहुत मजबूत है, मस्तिष्क का बहुत मजबूत है, लेकिन बड़ी समस्या क्या है, ये जो हाथ की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, आपके हाथ में बहुत छोटी है, इतनी सी बस। अगर ये इतनी बड़ी बड़ी है ये रेखाएं तो इसको भी कम से कम इतना होना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं इतनी ही रह गई। तो ये समस्या आपको रहेगी, इसके उपाय दिए जाएंगे। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल रह जाए हमसे पूछ लीजिएगा, हम फिर सारे डाउट सॉरी को भी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एड्रेस सेटिस्फाई करके भेजेंगे। आपका जो भी डाउट रहेगा वो भी लिख दीजिएगा, वो भी सॉल्व होगा। उपाय लिख दीजिएगा, हम आपको जो उपाय ये जीवन रेखा के उपाय आपको जरूर जरूर देंगे। मंत्र है, मंत्र का जाप करना होता है शिवलिंग के सामने रखकर, वो उपाय आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अपना रिव्यू छोड़ दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपको रिव्यू रहेगा वो भी हमें बता दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।